ओके, सॉरी, लेट अस स्टार्ट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दिस इज द वैन वीडियो फॉर इट। और हर वैन वीडियो में सबसे लास्ट में मैं उसका समरी कर देता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। एक स्लम दौड़ करके कंपटीशन हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने कराया, क्योंकि दौड़ से रिलेटेड है तो स्लम दौड़ इसलिए नाम है। 11 मिलियन पिछले बार ही चलता था। ये किसके लिए? फुटबॉल के लिए है, ठीक है। उसके बाद वायुश्रेष्ठ सम्मान कौन है? सीनियर सिटीजन के लिए। ये कौन कराएगा? आपका सोशल जस्टिस वाला मिनिस्ट्री कराएगा। वात्सल्य मातृ अमृत कोष नाम से ही पता चलता है, वात्सल्य माँ का अमृत का कोष है, अमृत क्या दूध है। तो नेशनल ह्यूमन बैंक बनाया जा रहा है मिल्क का। स्वच्छ स्वस्थ और सर्वत्र। तो ये ड्रिंकिंग वाटर HRD, ये दोनों मिलकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है ODF फ्री करने के लिए। देन वी सी स्किल में रूरल डेवलपमेंट में जो स्किल इंडिया ये सब चल रहा है, तो भारत के कौशल यादव जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया है उनको हॉनर करना है बेनिफिशियरीज को। उसके बाद विद्यार्थी विज्ञान मंथन हमने सुबह में पढ़ा था, उसमें क्या कि आपको NCERT और विज्ञान पर ये प्रसार चला रहा है VP मिलके, और ये विद्यार्थी लोग को फैसिलिटेट करे, मतलब विद्यार्थी लोग को विज्ञान की तरफ इनकरेज करेगा। जीरो हंगर फिर से पढ़ा था सुबह में, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए फिर से लिख दिया कि ये किससे रिलेटेड है, विराग और MS स्वामीनाथन और आईकार इनिशिएटिव चला रहा है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम मीट कर सके। मैत्री यात्रा है जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, HRD चाह रहा है कि उनको पूरा देश से इंटीग्रेट करने के लिए उनका यात्रा करा सके। वाहन हमने पढ़ा था व्हीकल रजिस्ट्री के लिए, उसी तरह से सारथी करके है, सारथ लिख दिया मैंने, सारथी होना चाहिए वो। सारथी कौन होता है? जो आपका गाड़ी चलाता है, तो ड्राइविंग जो सारथी होता था रथ में, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल बनाया है इन्होंने। जो जिला पास जो सबसे ऊपर में बनाया है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल लॉन्गेस्ट पास इन द एशिया है। ओके, देन वी कम टू टॉयलेट्स को अब बोला गया इज्जत घर बोलो, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, अच्छा भी लगा मुझे। गंगा ग्राम प्रोजेक्ट की गंगा नदी के गंगा रिवर के सामने के जो विलेजेज हैं उनको जोड़ना और उनको अच्छे से प्रमोट करना जो भी है, उनका बेसिकली ODF फ्री करना सक्षम है। संरक्षण महोत्सव बहुत सारा सक्षम है, इसलिए कभी नहीं आएगा, PCRA करा रहा है। अडोप्ट हेरिटेज का ही हिंदी क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये कौन करवा रहा है? ASI करा रहा है। वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर वाले में से कोई एक में आता है, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आता है। देन पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाला भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करा रहा है, ई संसद और ई विधान। जनरली ई संसद और ई विधान का मतलब है जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स में काम होते हैं वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पहले से होना चाहिए। क्वेश्चंस जैसे स्टार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये डिजिटल इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है। नीति आयोग मेंटोर इंडिया, मेंटोर इंडिया किस में होगा? अटल टिंकरिंग लैब में, कि हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या आप हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को मेंटोर करें। और वो चैंपियंस ऑफ चेंज को भी पुरस्कार दे रहा है कि जिन्होंने भी चेंज लाया इनिशिएटिव उसको हम पुरस्कार से फैसिलिटेट करेंगे। अगला वाला पेज मेरा काफ़ी कल्चरल डिजाइनफुल लग रहा है बिकॉज ऑफ माई बेडशीट, लेकिन है नहीं उतना कल्चरल। आगे बढ़ते हैं। DST स्वरूप लाया है। स्वरूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यार ये मुझे बता देना चाहिए था। स्वरूप बेसिकली पंचग्रह के लिए है कि कुछ साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ जो पंचग्रह ग्रह मिलता है ना, ये दूध दही गौमूत्र और गोबर इनसे आपका गाय से, तो उसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन करेगा कि उसका कितना यूज हो सकता है। स्वरूप में क्या है? पी से पंचग्रह है, तो इसलिए आपको इसे आइडिया लग सकता है। टोरा पिछले इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, काकित्यान भगीरथ जो चल रहा है तेलंगाना में इरीगेशन के लिए चल रहा है, और स्मार्ट ग्राम प्रोजेक्ट है जैसे एक संसद ग्राम है सांझी, वो चला रहा है अपना ये रूरल डेवलपमेंट। एक MP लैड्स है जो मौसपी चला रहा है, और ये स्मार्ट ग्राम। एक गंगा ग्राम है, गंगा ग्राम कौन चला रहा है? रिवर सैनिटेशन वाला चलाएगा। स्मार्ट ग्राम राष्ट्रपति भवन का जो सेक्रेटेरिएट है वो चला रहा है कि फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। तो बस ये छोटा सा ही है, अगर इसका हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत के कौशल यादव की इनिशिएटिव जो चल रहा है, फिर जीरो हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायरक और MS स्वामीनाथन, इसमें कोई फूड एसोसिएशन नहीं चल रहा है इसमें, और आईकार मिलकर चला रहा है। मैत्री यात्रा एक डिफरेंट है कि JNK के स्टूडेंट को HRD कर रहा है कि इंटीग्रेट करना है कंट्री के साथ, और वाहन और सारथी तो पता चल ही जाएगा। देन एडप्ट ये पार्लियामेंट्री अफेयर, ई संसद और ई विधान चल रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटोर इंडिया पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप है कि पंच ग्रह को स्वरूप बोला गया है, ठीक है। DST चला रहा है वो, बाकी टोरा ट्रांसपेरेंसी और ये सब सबको आता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब तक अगर रियल टाइम आप नहीं देख रहे हो, लेट से देख रहे हैं, या तो आप नहा धो के तैयार हो गए होंगे, खाना खा रहे होंगे, कुछ नाश्ता कर रहे होंगे, तो बाएं हाथ से वीडियो चला रहे होंगे, या आप पहुंचने वाले होंगे अपने कहां पर डेस्टिनेशन में, या पहुंच भी गए होंगे, फिर भी अगर टाइम मिले मौका मिले तो वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया है। नहीं देखा तो भी वहां जाके गेस तो खेलेंगे। अब स्वरूप आ गया, तो स्वरूप आप पहचान तो सकते ही हैं, पी से पंचग्रह है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के गाड़ी खींचा जाएगा, ठीक है। 5वां वीडियो हो गया है और 3 वीडियो बाकी हैं, उसके बाद विल कॉल इट ऑफ अ डे। विल हैव द वीडियो फॉर, जब तक आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे मैं वीडियो बना लूँगा उसका, अपना CSAT 2 का 11:30 तक वीडियो आ जाएगा, आप 11:30 के बाद देख सकते हैं उसको सुबह में, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा उस वीडियो से, ठीक है। मुझे सोचना पड़ेगा उसमें क्या बनाना है। चलिए, थैंक यू सो मच।